ये देखें, ये माशाल्लाह इसमें फंगस नमा कोई भी चीज़ नहीं है। नीचे तक भी जाएंगे, ठीक है जी, ये नीचे तक भी जाएंगे आपको बहुत ज़बरदस्त अच्छी ग्रोथ वाला चारा ही मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर चले जाएं आप, अंदर से आपको दिखा देते हैं, ठीक है। और इसको आप, आपको मैं खींच के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इसकी रूट्स चेक करें आप, इसकी जड़ें चेक करें, किसी भी किस्म का कोई फंगस वाला सीन है ही नहीं, ठीक है जी। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, तो ये भाई बताइएगा कि आपकी वीडियोस देख के काफी लोगों ने ये काम शुरू किया। जी बिल्कुल। और अब आपने एक तो मुकम्मल तरीका नहीं बताया किसी भी वीडियो में ये करने का, और दूसरा आप, हम देख रहे हैं कि आपके इसे फंगस का मसला आ रहा है, तो ये क्या सीन है? देखें, सबसे पहली बात ये है कि एक ही वीडियो में, दो वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है। जब हमने पहली दफ़ा बनाया था ये, हमसे भी ख़राब हुआ था एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, ठीक है। वीडियो को पूरी देखें, इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं पूरा मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि फंगस नहीं लगेगा आपके जो ना कि बीज को, कोई भी बीज हो, वो मकई का बीज हो, गंदम का, इंशाल्लाह फंगस नहीं लगेगा। अच्छा तैयब भाई, अब क्या आप स्टेप बाय स्टेप पहले तरीका बताएंगे या कि फंगस से बचाव का बताएंगे? देखें, सबसे पहली बात यह है कि स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हम वीडियो करेंगे, और पहले जो पहला स्टेप होता है ना, उससे अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो उससे ही फंगस जो ना अच्छे तरीके से करते हैं तो फंगस उससे ही कंट्रोल हो जाएगा इंशाल्लाह। ले व्यूअर्स, तैयब भाई आप आज हमें ये हाइड्रोपोनिक ग्रीन फूडर जो है ये बनाने का मुकम्मल तरीका बता रहे हैं। तो तैयब भाई, सबसे पहले गंदम है ये? जी बिल्कुल। ये सर देखें, ये गंदम है, गंदम देख ले भी, ठीक है जी। ये अभी फ्रेश गंदम है, तकरीबन 15 दिन हुए हैं इसे, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बीज हमने बहुत ज़बरदस्त लगाया, जिसकी वजह से माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फसल भी आई है, ठीक है जी। ये तकरीबन हमारे पास 5 kg गंदम है, जिससे तकरीबन जो ना कि 30-40 kg 50 kg तक भी वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है, तो इंशाल्लाह इतना ग्रीन जो ना कि फोडर हम इससे हासिल कर लेंगे, ठीक है जी। एक बर्तन में हमने गंदम ले ली। गंदम लेने का, बीज सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि गंदम देखें, इसमें कोई भी एक भी बीज इसमें टूटा हुआ नहीं है, जो भी टूटा हुआ ना उसमें फंगस लगेगा, उसमें जो ना जर्मिनेशन नहीं होगी, उसमें उगाव नहीं होगा, ठीक है जी। जी तो दोस्तों, ये देखें, एक दफ़ा हमने पानी इसमें डाल लिया, अच्छी तरह इसको धो के एक दफ़ा हमने इसका पानी निकाल लिया। जो छोटे छोटे इसके टुकड़े होंगे गंदम के, जो नाकस हल्का बीज होगा वो भी ऊपर आ जाएगा पानी की मदद से, और अच्छे तरीके से इसमें से गंद वगैरह निकल जाएगा। जी तो ये दूसरी दफ़ा हमने ले लिया, दूसरी दफ़ा भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से, अच्छे तरीके से हमने इसको साफ़ कर लिया, ठीक है। ये माशाल्लाह 3-4 kg गंदम है, ठीक है जी। तो इसको हम दोबारा तीसरी दफ़ा पानी इसमें डालने लगे। इसमें इतना हमने पानी ले लिया है, ठीक है। गंदम इसमें बिल्कुल आसानी से आप हिलाएंगे भी हाथ से, बिल्कुल हाथ से हिलेगी, ठीक है, अच्छे तरीके से कवर भी हो जाएगी पानी में, ठीक है जी। अच्छा तैयब भाई, ये सिर्फ गंदम का ही बनाया जा सकता है? ये सब किसी भी किस्म के बीज का बनाया जा सकता है, कि चारे वाले कोई भी चीज़ ले लें आप, मकई का बहुत ज़बरदस्त, ज़्यादातर मकई का और गंदम का बनाया जाता है, ठीक है जी। अब हम ये ब्लीच है, ये हमारे पास ब्लीच है, कपड़े कोई भी आप एंटी बैक्टीरियल ले सकते हैं, ये कपड़े से दाग उतारने वाला हमारे पास ब्लीच है, ठीक है जी। तो पैमाना आप पे, आप पैमाने से अगर अच्छे तरीके से करेंगे, पैमाने से नाप के, तो वो ज़बरदस्त रहेगा, ठीक है जी। ये हमने 20 ml की, ये 10 ml की सिरिंज है, ये इस एक सिरिंज इसमें हम डाल देंगे, ठीक है जी। एक सिरिंज काफ़ी है, ये 4-5 kg बीज के लिए एक सिरिंज ब्लीच काफ़ी है। इससे ये होगा कि इसके अंदर कोई भी जरासीम होंगे वो इंशाल्लाह मर जाएंगे, ठीक है जी। इस तरह इसको आपने हिला के रख देना है 12 घंटे के लिए, ठीक है। 12 घंटे के बाद आपने इसको, हम छोटा सा क्लिप वीडियो में आप देख रहे होंगे, हम साइड पे चला रहे हैं, इसी तरह ये अंगूर जो ना कि इसके ऊपर फूटना, बीज को, बीज फूटना शुरू हो जाएगा, ये जड़ें निकालना अपनी शुरू कर देगा, ठीक है जी। तो इसी तरह ही फिर आपने इनको ट्रे में, जिस तरह हम बता रहे हैं वीडियो के अंदर, एक साइड पे हम क्लिप चला रहे हैं वजाहत के लिए, इस तरह हम जो ना कि इसको
अपनी ट्रे में बिछा भी देंगे, बिछा के अच्छे तरीके से ये इसको हम करेंगे मैनेज। अच्छा तैयब भाई बताइएगा कि ये जो आपने ब्लीच इस्तेमाल की ये कितनी ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? देखें ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप ब्लीच इस्तेमाल नहीं करेंगे उससे ये होगा कि आपका आधा बीज तो उगेगा ही नहीं, ठीक है। आगे उगेगा उसकी ग्रोथ भी कम होगी, अगर वो उग भी जाता है तो आप उसको इस तरह नहीं डाल सकते, ठीक है। ये माशाल्लाह देखें आप इसको इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसकी आप जर इस्तेमाल, अब ये है ना इसमें हमने ब्लीच वगैरह डाली थी, इसमें किसी भी किस्म का कोई फंगस आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये चेक करें आप, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, ग्रीनरी चेक करें इसकी आप, इसको इसकी जड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका बीज जो इसका खोल है ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऊपर से ये सबज चारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी तीनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ब्लीच ना डालें, हमने मैंने अपने बच्चों को जो हमारे छोटे घर में बच्चे हैं ना उनको ट्रेन करने के लिए, अपने भतीजों को ट्रेन करने के लिए मैंने इसमें ब्लीच नहीं डाली, ठीक है, इस ट्रे में ब्लीच नहीं डाली। उससे ये हुआ है कि ये चारा मैंने एक दफ़ा इससे काट लिया है, चारा इसी तरह बिल्कुल ज़बरदस्त हुआ है, ठीक है। सिर्फ आप इसका सब हिस्सा ही इस्तेमाल करें, फंगस लग जाता है ना आप इसको इस चीज़ को, इसका दाना इस्तेमाल ना करें, इसकी जड़ इस्तेमाल ना करें, फिर आप इसको काट लें, छुरी से काट लें, कैंची से काट के इसको यही इस्तेमाल करके आगे से एहतियात करें, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं जिससे फंगस लग जाती है, अगर ये फंगस लग गई ना ये जहर है आपके जानवर के लिए, आपकी बकरी के लिए, आपकी मुर्गी के लिए, ठीक है जी। ये चेक करें, ये माशाल्लाह इसमें ये ब्लीच वाला है, एंटी बैक्टीरियल जो है ना कि ब्लीच होती है, किसी भी किस्म का बैक्टीरियल हो, बैक्टीरिया हो तो वो ख़त्म हो जाता है, ये चेक करें, ठीक है जी। फिर दूसरी चीज़ ये है कि ट्रे का सुराख होने बहुत ज़रूरी है, टूटी हुई है तो इस जितनी ये देखें ये टूटी हुई है, इसका पानी का निकास ज़बरदस्त है, ठीक है। ये माशाल्लाह ये चेक करें, बहुत ज़बरदस्त है, ये वाली इसमें सुराख हुआ हुआ है, ठीक है, उससे ज़बरदस्त ये है क्योंकि ये टूटी हुई है, इसका पानी का निकास अच्छा था, इसमें पानी खड़ा ही नहीं हुआ, ठीक है जी। अच्छा तैयबा ये बताइएगा कि कितनी दफ़ा इसे ऊपर से काट के तो काबिल इस्तेमाल किया जा सकता है? ये देखें, ठीक है, ये भी बगैर ब्लीच के है, ठीक है, ये भी बगैर ब्लीच के है, ये भी इसमें फंगस लग गया, इसको मैंने एक दफ़ा काट लिया, अब दूसरी दफ़ा दो तीन दिन में मैं इसको काट लूँगा, ठीक है, फिर इसको मैं ज़ाया कर दूँगा, ठीक है। वैसे भी दो दफ़ा इस्तेमाल करें, अच्छी जो न कि प्रोटीन के लिए आप कह लें कि अच्छे मल्टी विटामिन के लिए एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे वो सबसे बेहतर है, ठीक है जी। अच्छा दूसरी चीज़ आपका सवाल ये था कि तैयब भाई ये बताएं कि सुराख करना कितना ज़रूरी है, ठीक है, सुराख करना बहुत ज़रूरी है, ये चेक करें आप, उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने छुरी की मदद से छोटे से बिल्कुल सुराख किए हुए, इसमें पानी नहीं रहता, ठीक है, हम एक मिनट लगातार इनको पानी देते हैं, ठीक है। जिस तरह आपने पहले दिखाया कि मैं पाइप से पानी लगा रहा हूँ, आप उस तरह भी लगा सकते हैं। हाँ ये एक ये एहतियात करें कि जब बीज को आप ट्रे में डालें दो दिन उसको आपने स्प्रिंकल से पानी देना है, ठीक है, जिसकी वजह से बीज अपनी जगह पर रहेगा, बीज आगे पीछे नहीं होगा, अगर आप पाइप से देंगे बीज आगे पीछे होगा जिससे उसका जगह जो ना कि तरतीब ख़राब हो जाएगी, ठीक है। आप इस तरह पानी दें 24 घंटे तक, ट्रे में डालने तक बीज को 24 घंटे तक आपने इस तरह स्प्रे से पानी देना है, ठीक है, जिससे ये होगा कि बीज आगे पीछे नहीं होगा, इससे इस तरह अगर पाइप से देंगे तो बीज आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है, आपकी जड़ आपकी वो जो है ना ग्रिफ सही नहीं बनेगी, ठीक है जी। अब हम इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं, आपने गंदम का देख लिया, अब आपको मकई का बताते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास मकई का, ये मकई तकरीबन आज चौथा दिन हो गया, इसको तीन चार दिन और रखेंगे हम इसके, फिर इंशाल्लाह इतनी काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तकरीबन 10 इंच की हो जाएगी चार दिन बाद। ये चीज़ें चेक करें आप, ये चीज़ें फ्री रेंज में नहीं मिलती, हमारा मकसद ये है कि लोग जो फ्री रेंज कर रहे हैं, जो कमर्शियल फील्ड पर डाल रहे हैं वो तो अच्छी बात है, जो फ्री रेंज कर रहे हैं ना वो हमने काफ़ी फार्म तो जाके विज़िट किया, वो फ्री रेंज जब करते हैं ना उसमें मुर्गियाँ भूखी मार रही होती हैं, ठीक है। जब आप मुर्गियों को ये देंगे ना, मुर्गियों को फ्री रेंज में छोड़ने का ये है कि मुर्गियाँ अच्छा जो है कि घूम फिर लें, ठीक है। हमारे लोग क्या करते हैं, हमारे एक रवायत बनी हुई है कि मुर्गियों को बाहर निकाल दें घूम फिर के ये आ जाती हैं, ठीक है, इस तरह नहीं होता। मुर्गियों को जो उसकी ज़रूरत है ना वो जब तक नहीं ना देंगे आप प्रोडक्शन नहीं ले सकते, या वो चाहे एग की सूरत में हो चाहे वो गोश्त की सूरत में हो। ये चीज़ें जब मुर्गी खाएगी नहीं, जड़ें खाएंगी, ये बीज है, ठीक है, जब ये बीज खाएगी ऊपर से ये सब चारा खाएगी तो इसमें हर चीज़ मौजूद है तकरीबन, ठीक है। ये इस्तेमाल करें साथ में, कोई भी दाना आप इस्तेमाल कर ले, कोई कमर्शियल फीड आधी आधी इसको अगर 100 ग्राम दे रहे हैं 50 ग्राम ये दे लें, 50 ग्राम वो दे लें, ये भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीका है देने का जी। तो हम आपको इंशाल्लाह हमें इसमें बता दें, देखें वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। आप चैनल को, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, जब भी इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो हम अगले दिन डाल देंगे तकरीबन 12 घंटे के बाद नई वीडियो मिल जाएगी, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे इसकी कॉस्ट के ऊपर और इसको पानी कितने टाइम पर देना है, ठीक है। ऑटो इसको किस तरह कंट्रोल करना है, समी ऑटो किस तरह कंट्रोल करना है, और फुली ऑटोमेटिक किस तरह इसको अपने शेड को कंट्रोल करना है, और ये कितने पैसे से हम कितना ग्रीन चारा हासिल कर सकते हैं, कितनी मुर्गियों के लिए कितनी
مقدار میں یہ چاہیے ہمیں اور بکریوں کے لیے کتنی مقدار میں چاہیے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو ہر چیز سمجھا دیں.